लेकिन मेरे को क्या पता था ये होगा। तो भाई लोग कैसे हो, तो यार वेलकम दी बैक, बैक वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू बजरी का गेम प्लेयर पे। यार जुकाम हो चुका है, दिस इज बैड, जुकाम कैसे तैसे जुकाम हो चुका है तुम्हारे भाई को। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, यहाँ पे आज अपन हमला करेंगे ग्लाइडर से। काफी टाइम हो चुका था ग्लाइडर चलाए हुए, ग्लाइडर लेके हमला करेंगे, मजा बहुत आने वाला है। फिलहाल के लिए डीपी हाथ लगती है, डीपी से एक बंदे को पाल लिया, बिल्कुल लपेटा देने में टाइम लगता है। जुकाम हो या फिर ना हो खांसी ना हो, कुछ फर्क न पड़ता, मैं देने पे भरोसा रखूं, लपेटा लपेटा देता हूँ इसके। अभी गया का है, लेकिन ये रहा नलबाज यहाँ पे छुप रहा था, और ये पुसी बैजल है, ये पुसी बैजल तुमको नहीं बचा पाएगी, अफसोस हुआ मेरे को ये कहते हुए। लेकिन इस पुसी बैजल गन से तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। क्या लगे, वो पुसी बैजल को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को खास क्या, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो गन। उसको हटाओ, उसको हटा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बाकी की पेटी डाल दे। और ये बहुत ज्यादा जहरनेट था, बहुत ज्यादा काफी डैमेज किया। बंदा एक और बार आ जाए, पिटना है उसने। ये लो जी, इसका हो गया था पेटी, इसकी पेटी पैक करो, टाइम ही लगना चाहिए पेटी पैक करने में। इसकी पेटी पैक कर दी, अभी इसकी बारी। ये क्या कर रहा है, ये मेरे टीममेट के पीछे था, लेकिन हम लोग इसका बेकू बना देते हैं। ये मेरे टीममेट को मारने के लिए घूम के आता है, लेकिन हमारे भाई ये जो बाहर पे डब्बा पड़ा होता है उसके दूसरी तरफ चल देते हैं। इसी के साथ 3 किल हो गए, माहौल ठीक ठाक, मतलब ठीक है 3 किल, क्या ये मजा नहीं आ रहा, ज्यादा किल चाहिए। तो हाँ, ज्यादा किल की तलाश में करना क्या था, मैं चल देता हूँ वो जो पीछे फैक्ट्री पड़ी है, पता नहीं क्या कहते उसे, फैक्ट्री की ओर चल देता हूँ, वहीं पे लड़ाई थी। मैंने बोला ठीक है चलो फैक्ट्री चलो, सारे बंदे वहीं मिलेंगे, सबको पकड़ के वहीं भेज देंगे। अरे मेरे कद्दू का फैक्ट्री, ये देखो इसको, ये नल बेशरम सांप बन के बैठा था ये इस चीज के पीछे, मेरे कद्दू की फैक्ट्री, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी है सांप की। खैर वाड़ा, इसी के साथ 4 किल मेरे हो रखे थे, एक बार मैं ऐसे ही पिट गया, फ्री फंड में पिट गया। अरे पता ही ना है बंदा बैठा है, कैसे मैं पेलू। खैर को बात, देखो यहाँ पे फटाफट से इस चीज को अपन अभी पेलेंगे, बदला लेंगे, यस बदला बिल्कुल लेंगे। धुआं बना के अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं, मैं भी रिवाइव हो गया। लेकिन देखो इट इज, यहाँ पे दिक्कत मेरे को हो रही है, क्योंकि यहाँ से पीक करना काफी मुश्किल है, टेढ़ी सी दीवार है। एक गया, और इसी के साथ उसकी पेटी भी पैक कर दी। ये नीले कपड़ों पे आ रखा था, दिया इसके। पेटी अभी पैक करी, पता नहीं पहले किसको मारा था। खैर के बाद देखो ये पूरे 4 बंदे होते, मजाक से हटके टोटल 4 बंदे। दूसरा गया, अभी 2 और बाकी है, नेट करने वाला था लेकिन जाना पड़ेगा। 3, और इसी के साथ 4 नल्लों को यहाँ पे मैं लपेट लेता हूँ, लेटे पड़े हैं। मैं सोच रहा था फैक्ट्री लगा, मेरा कद्दू की फैक्ट्री, इन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी अपनी, यहीं पे काम चालू कर दिया साफ बनने का काम। कह रही के साथ देखो ठीक ठाक किल मेरे को मिल गए थे, मिलिट्री एरिया था, फिलहाल के लिए मिलने सफल हुआ। अब करना क्या था, ये गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ, तो वो आगे शॉप है, तेल भरूंगा प्लस शॉपिंग करूंगा, कुछ शॉपिंग करने की जरूरत है मेरे को, और कुछ चीज़ों की जरूरत है, ये कुछ रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को पूरा करना है। तो हाँ यहाँ पे मैं पहुंच जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई और शॉपिंग कर रहा है पहले से, ये अरे नलबाज क्या शॉपिंग कर रहे भाई, ये पता नहीं क्या नलबाजी करके शॉपिंग कर रहा था इधर, इतने गैस कैन गिरा रखा था। अरे क्यों करते हो ये हरकतें, क्या कर रहा है ये, शॉप के अंदर ही आग गाड़ के बैठा होगा, पीछे से आके लट बजेड़ दी, इसको पता ना चलता। कह रही के साथ देखो अपनी लैम्बो पे तेल भर दे, तो यस माइलेज कम देती है लेकिन कोई बात नहीं, लैम्बो अपनी है, इस लैम्बो पे तेल भर के मैं वापिस आगे चल देता। और ये कोई आ रहा है, और ये शॉपिंग करने वाला, अरे गाड़ी पटक ही दी थी भाई, लैबो पे खरोच मार दी इसने। ये पक्का ये शॉपिंग बाज का टीममेट होगा, ये भी सोचता है अपने टीममेट को मैं बचाऊंगा। और ये देखो यहाँ पे मैं गाड़ी पे गेट इन करता हूँ, लेकिन ये देखो लेफ्ट राइट से क्यों उतर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो रखा है गेम। तो हटाओ इसको, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे अभी, शांत नया मोड आने वाला है शांत, क्या पता 9 तारीख को आ जाए, कह रहे हैं शायद से आज 9 तारीख है क्या, हाँ शायद से आज 9 तारीख है, क्या आज मोड आएगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, वी विल सी। एक के लिए अब यहाँ पे एक को मैं फटका देके पाड़ लेता हूँ, लेकिन देखो पोचंकी पे और बंदे बैठे हैं,
इनको बाकियों को भी पकड़ पकड़ना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे देखो हमारे भाई वहां आगे लड़ रहे होते हैं, नॉक हो जाते हैं, पेटी डलने वाली है, मेरे को जल्दी जाना होगा, बचाना पड़ेगा अपने टीममेट को, फंस चुका है वो उधर पैनलबाजी करके। अब कवर फाड़ देता हूँ, अब एक गाड़ी फोड़ के हम लोग एक किल उठा लेते हैं। दो बंदे पहले आने, एक यहीं पे पहला था, एक सामने पहला गाड़ी के पीछे, लेकिन और भी बंदे हैं, बचाना पड़ेगा, पेटी डालने बहुत जोर से आ रहे हैं ये लोग। हेडशॉट दिया, लेके देखो बस हेडशॉट ही दे पाया, पेटी न डाली, और ये क्या भाग रहा है, पेड़ के पीछे चला गया। अब इसको देखो मैं पहनने के लिए तैयार था, एक नेट जिंदगी का बदल देगा इसकी जिंदगी। लेकिन ये बहुत कहेगा, लेकिन इससे पहले देखो मेरी नेट इसकी जिंदगी बदलता, नेट तो शायद पेड़ के आगे ही फट गया था, उस चीज को आप इग्नोर करेंगे, वो घास की वजह से, गाइस घास थी यहाँ पे, तो घास की वजह से ये क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या मतलब आपके पास साइज थी, इट्स ओके मैं बता रहा हूँ, ट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है, तो ट्रैक्शन की वजह से नेट आगे ना जा पाया सर, तो ये दिक्कत हो गई, घास काटनी पड़ेगी, घास ज़्यादा हो गई है, तो हाँ दिस वॉज ट्रैक्शन, यस उसकी वजह से मेरा नेट नहीं फटा, और किल बॉट ले जाता है ये बेचारा बॉट। खैर वाड़ा यहाँ पे पहुँचता अपार्टमेंट पे, बंदे बैठे पड़े, दिया पेटी दे दी, टाइम नहीं लगाता बिल्कुल, दूसरे बंदे की भी पेटी दे देता, लेकिन वो अंदर जाने में टाइम नहीं लगाता बिल्कुल, तो हाँ एक किल राइट पे करी। अब देखो ये लोग ना मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, ये बस लेना चाहते थे मेरी लूट। अरे ये किसने दे दिया, पता नहीं गाइस किसी पे खारदाइटेट पड़ी थी, कोई बात नहीं बदला लेंगे। ये जो आगे बंदे, इनको पता है मैं आ रहा हूँ, इनको पता है कि मैं पेटी डालने आ रहा हूँ, तो ये मेरी पेटी डालने के लिए तैयार है। तो हाँ देखो यहाँ पे मैं फटाफट से रिवाइव होता हूँ, कार 98 थी, बंदे ने धोखे से कार 98 पहन ली, कोई बात नहीं अब धोखा नहीं खाऊंगा मैं, अब कार 98 और धोखा कुछ नहीं खाऊंगा मैं। तो हाँ यहाँ पे मैं तैयार था, 16 ही किल थे, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा जी, पसंद नहीं यार, 20 किल तो प्लस करना पड़ेगा। तो हाँ यहाँ पे मैं तैयार था, एक आध नॉक करूँ, रस कर देंगे। और देखो इससे पहले मैं रश करता, पता नहीं कौन डीपी चलाता है, बहुत जोर के डैमेज देता है, मैं बैंडेज पहले लग जाता हूँ, इधर हीलिंग की कमी थी मेरे ख्याल से, तो हाँ पता नहीं लूट इतने बंदे पहले, लूट फिर भी ठीक ठाक नहीं होती, नॉर्मल नॉर्मल होती है। खैर वाड़ा यहाँ पे मैं बैंडेज पहनता हूँ, वापस से तैयार हो जाता हूँ काम करने के लिए, अपना काम निपटाने के लिए, रश करने का बस ठीक मौका ना मिल पा रहा, मौका एक मौका मिल जाए बढ़िया रश करने का, मजा आ जाए। तो हाँ ये लोग झलक दिखलाते हैं दोबारा से, लुक एट देम, अब ये झलक दिखलाते हैं लेकिन एक दूसरे को, मेरे को नहीं, आपस में लड़के ठिल गए, मरने ही वाले हैं, तो करना क्या है मेरे को, जाना पड़ेगा, बुलावा आया है, अपनी लैम्बो ले चलो, तेल भराया था ना, हाँ तेल होना चाहिए इस पे बराबर, काफी पैसा लगा उस पे। खैर ये लैम्बो लेके मैं पहुंच जाता हूँ, अब देखो ये लोग बस एक ही चीज करना चाहते थे, मेरी पेटी, ऑल पे सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना आवाज, ये बंदे पागल ही हो जाते हैं बिल्कुल, मेरी पेटी डालने के लिए बिल्कुल बौखला जाता है, बिल्कुल ही दिमाग का संतुलन हिलता जाता है इनका, जैसे इन्हें पता चलता है कि मैं आया हूँ, मेरी पेटी डालनी है इन्हें। ये देखो अभी एक बंदा बाहर है, ठीक है अभी सब, लेकिन मेरे को क्या पता था ये होगा, और ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा होता, लेकिन मेरे को बस पापा प्लेयर समझ आ रहा था क्या बोल रहा है ये, अब पता नहीं ये क्या ज्यादा था, ये शायद कह रहा था पापा प्लेयर आ गया इसकी पेटी डालो, या फिर ये कह रहा था पापा प्लेयर मेरी पेटी पर डालो, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आया पापा प्लेयर बहुत जोर से बखूबी चिल्ला रहा था, बेटा चिल्लाने की कोई बात नहीं, तुमने जो है कैंपिंग बिछाई थी इधर, जो पहले की मुझे कोशिश की वो कोशिश हो चुकी है नाकाम, कोशिश मिट्टी में मिला चुका हूँ मैं, बिल्कुल जोन के बाहर आके पेटी डाल के जाता हूँ, बेटा ये कैंपिंग कुम्पिंग इनसे काम नहीं होगा, आप छोड़ो ये जाके लूडो खेलो, यस लूडो, लूडो विल बी गुड फॉर यू, और दैट गेम इज गुड, यस इट टेक्स स्ट्रेटजी ब्रेन, काफ़ी कैंपिंग उसमें भी करनी पड़ती है, बैठ के कैंप करना, दूसरी गोटियों के लिए मैं तो यहाँ पे पहल के चल देता हूँ, दिया इसके फटका अभी, और एक सांप यहाँ पे कैंपिंग कर रहा है बेशरम,
ये सांप नल्ला था, जहां पे गाड़ी छोड़ी वहीं पे लेट गया रे। जहां पे गाड़ी छोड़ी उससे कुछ किलोमीटर दूर जाके सांप बनते हैं ताकि पता ना चल पाए। मेरे को पता चला, मैंने पेटी पहन दी बिल्कुल। खैर इसी के साथ 20 किल हो गए थे, अब एक ही बंदा बाकी था। करना क्या था हमारे भाई, यहाँ पे ग्लाइडर चलाते हैं, बहुत ही रद्दी फ्लाइट थी, इससे घटिया फ्लाइट लेते हुए मैंने आज तक नहीं देखा किसी को। मतलब पायलट के नाम पे कलंक है हमारे भाई, तो मैं ही चलाने लग जाता हूँ। मैं ठीक ठाक चला रहा था लेकिन यस गाड़ी आगे जाके जोन के बाहर हम जाते हैं और ये पेड़ पेड़ पे बहुत ठुकता है ग्लाइडर, मजाक से हटके पता नहीं आता। ये मरेंगे और कुछ नहीं, सब बता रहा भाई। अब यहाँ पे देखो मेरा टीममेट भाग रहा था मेरे से, ये डर के कि मैं जोन के बाहर ले जाऊंगा, लेकिन देखो मैं हार दिवाता अब एज ए पायलट। आई विल ड्राइव इट वेरी हाई इन द स्काई, आई विल टेक इट टू द स्काई। अब देखो यहाँ से मैं जोन के अंदर ले आता हूँ जैसे तैसे करके इसको, और बंदे की तलाश तो छोड़ो, बस प्लेन उड़ाने की तलाश पे हूँ मैं, और आखिरकार उड़ जाता है। काफी मजे लेता हूँ मैं, बहुत से ढूंढता हूँ, मेरे पे चलती है गोली, सामने से गोली चलाई इसने, जो कि हो गई है मेरा बहुत बड़े गलत है, पायलट पे गोली चलाते, दैट इज बैड, पायलट पे गोली बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए थी। अब मैं इसके लठ मारने के लिए तैयार था लेकिन देखो ये दिखता नहीं मेरे को टाइप है, और जब तक मैं काबू में करता इस प्लेयर को, ये ठुक जाता है, प्लेयर क्रैश हो गया, इट वॉज बैड। अब ये नल्ला ऊपर कहीं सांप बनाए, मेरे को कद्दू न पता कहाँ पे, ये उड़न तस्तरी से हमला करता बहुत ज़्यादा भारी मेरे पे पड़ सकता है क्योंकि उखाड़ा मैंने कुछ नहीं, मेरे को बंदा भी नहीं पता कहाँ पर है, बस नलबाजी कर रहा हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, पहलेंगे टेंशन ना लो, पहलेंगे बिल्कुल। अरे इसने तो मेरे को ही पहल लिया, नल्ले कहाँ पे लेटा पड़ा है एयूजी लेके, तो हाँ बंदा डेंजरस है, ही इज विद एयूजी, और एयूजी के साथ है वो, एयूजी उसके हाथ में है, एयूजी उसके साथ में है, लेकिन मेरे पास एक और चीज़ है, वो है कुछ नहीं है मेरे पे, M4 के अलावा यही पहल हुआ। मेरे पे है एक चीज, वो है फ्रैक। ये मेरे टीममेट पे हावी होता रहता, मैं फ्लैग मारता हूँ थोड़ा लेफ्ट से, क्या ये हील की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, पायलट हूँ फ्लैग मार के पहन लेता हूँ, क्या मतलब पायलट के नाम पे मैं कलंक हूँ और हवाई जहाज मेरे को बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। ये कौन कह रहा है तुम्हें कमेंट पे, ये और कह रहा है ले रहा गाइस, क्या अपडेट आ चुका है पता नहीं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 तारीख को, तब इन्होंने बस पोस्ट किया कि हाँ ये कह रहे हैं कि डेट गैस करो कब आएगा, नल्लो डेट गैस करता बैठूंगा मैं, आप जल्दी से अपडेट तो नहीं करता मेरे को डेट गैस, ले रहा कर मिलते हैं, लाइक ठोक दे रहा, साली आवाज भी टूट रही है, फट रही है आवाज बीच में, जुकाम की भैंस की डंडी, कट कट कट।